2014-2019 में जो यादव वोट थे वो बीजेपी प्रत्याशी और जेडीयू प्रत्याशी को प्राप्त हुए थे। काफी हल्ला गुल्ला मचा हुआ था 2024 के लोकसभा को लेकर सिवान में। हिना शाह एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सिवान लोकसभा के सांसद चुनी जाएंगी और दिल्ली भेजी जाएंगी। सबसे मुख्य सदस्य की अब बात करने जा रहे हैं जो कि आपको ये बताएगा कि सिवान में कभी इनवॉइस समीकरण चला ही नहीं। तो लोकसभा चुनाव में आखिर में सिवान को क्या हो जाता है कि जिस व्यक्ति को देखकर विधानसभा में राष्ट्रीय जनता दल के 3-3 सीट निकलते हैं और 2 सीपीआईएम के सीट निकलते हैं, वही सिवान जब लोकसभा का चुनाव आता है तो हिना साहब को मतदान क्यों नहीं करता है। ग्राफ 2 बार से बढ़ रहा था, वो 3री बार में ग्राफ गिर गया क्योंकि 2024 में ऐसे माना जाता है जो यादव वोटर्स थे वो राष्ट्रीय जनता दल प्रत्याशी और बिहारी चौधरी को वोट देते दिए हैं। 2014-2019 की सांसद हिना साहब होते वो आरजेडी से चुनाव लड़ती थी 2 बार 2014-2019 में जब वो चुनाव लड़ी तब उनको ये वोट प्राप्त नहीं हुआ, मैं लोकसभा चुनाव अपना जीत जाता। तो ये दर्शाता है कि कभी भी सिवान में इनवॉइस समीकरण चला ही नहीं। बीए बीकॉम बीएससी एमए एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स डीएवी पीजी कॉलेज के पास पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने सिवान। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फैसल अहमद है। आज बात कर रहे हैं बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से ही और काफी चर्चा में रहने वाला ये लोकसभा क्षेत्र है जिसकी बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं सिवान लोकसभा क्षेत्र संख्या 18 जो कि काफी चर्चा में रहता है और इस बार का चुनाव में ये काफी चर्चा में भी था। इसका कारण मुख्य कारण है डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब जो कि सिवान के पूर्व सांसद और पूर्व विधायक रह चुके हैं। इसका मुख्य कारण उनकी पत्नी हिना साहब का इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ना भी था कि ये लोकसभा इतना चर्चा में था। इस बात करने वाले हैं उन्हीं की, हिना साहब के इस बार के हार के कारण का और 2014 और 2019 में भी हार के कारण का बता देंगे कि क्या समीकरण रहा इस बार उनके हारने की वजह क्या रही। उससे पहले हम आपको ये बता दें कि बिहार में कुल 6 विधानसभा है और बात करें विधानसभा चुनाव की तो विधानसभा चुनाव जब भी होता है तो यहाँ पर आरजेडी काफी मजबूती से खड़ी रहती है। इसका एक मुख्य कारण हिना साहब पूर्व सांसद मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की पत्नी है। जब तक हिना साहब आरजेडी से जुड़ी रही तब तक ये सिवान में आरजेडी का दबदबा बना रहा। बात करते हैं 2020 विधानसभा चुनाव की तो 6 विधानसभा जो भी सिवान में है उसमें से 3 राष्ट्रीय जनता दल का आया और 2 सीपीआईएम में जो कि उस वक्त का गठबंधन चल रहा था और अभी भी, और एकमात्र ऐसा सीट दुरौंदा का जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना कब्जा जमा पाया, वो भी काफी मुश्किल से भारतीय जनता पार्टी दुरौंदा की सीट निकाल पाए। तो लोकसभा चुनाव में आखिर में सिवान को क्या हो जाता है कि जिस व्यक्ति को देखकर विधानसभा में राष्ट्रीय जनता दल के 3-3 सीट निकलते हैं और 2 सीपीआईएम के सीट निकलते हैं, वही सिवान जब लोकसभा का चुनाव आता है तो हिना साहब को मतदान क्यों नहीं करता है। मुख्य कारण बता दें कि उससे पहले कि मैं आपको बता दूं कि ये रहा सिवान लोकसभा में 6 विधानसभा। सिवान जहां से और बिहारी चौधरी राष्ट्रीय जनता दल के विधायक है जो कि इस बार राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पे सिवान लोकसभा में चुनाव लड़ रहे थे, ये और बिहारी चौधरी। वही दूसरी विधानसभा की जीरा दाई जहां से अजीत कुशवाहा विधायक है सीपीआईएम के। तीसरा विधानसभा हो गया आपका दरौली जहां से सत्यदेव राम सीपीआईएम के विधायक। चौथा विधानसभा हो गया आपका रघुनाथपुर जहां से हरिशंकर यादव राष्ट्रीय जनता दल के विधायक। वही पांचवा विधानसभा हो गया पहाड़िया जहां से बच्चा पांडे राष्ट्रीय जनता दल के विधायक। और छठा और आखिरी विधानसभा जहां एकमात्र ऐसा विधानसभा जहां पर बीजेपी अपना कब्जा जमा पाए सिवान थरौंदा जहां पे करणजीत सिंह उर्फ ब्यास से जो कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक। ये बात हो गया सिवान के 6 विधानसभा सीटों की जहां पर 2020 में 5 जो सीट था वो महागठबंधन का था और एकमात्र भारतीय जनता पार्टी का सीट निकल पाया। और यही वो सिवान है जहां पर लोकसभा चुनाव आते ही सारा समीकरण उलटफेर हो जाता है। हिना साहब की नाराजगी की वजह से हिना साहब राष्ट्रीय जनता दल से अलग हो गए और 2024 का लोकसभा चुनाव इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर लड़े। बात करेंगे आज 2014 और 2019 जब हिना मैम
राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़ी थी और 2024 जब उन्होंने कैंडिडेट के तौर पे चुनाव लड़ा। इन दोनों की बात करेंगे, उससे पहले आपको सिवान में वोटर्स बता दें कि कौन से कास्ट के वोटर्स कितने प्रतिशत और कितने हैं। बात करते हैं सिवान में मुस्लिम वोटर्स की, तो ये आप देख सकते हैं कि मुस्लिम वोटर्स लगभग 316,026 यानी 17.3% मुस्लिम वोटर्स है सिवान। वहीं पे बात करें सिंह वोटर्स की तो जो कि लगभग 2,08,035 वोटर्स है 11.4%। वहीं पे यादव वोटर्स की बात करें तो मात्र 9.6% यादव वोटर्स सिवान में। वहीं पे शाह वोटर्स की बात करें तो 1,36,198 यानी 7.5%। और वहीं पे राम वोटर्स की बात करें तो 1,17,149 यानी कि 6.4%। वहीं पे प्रसाद वोटर्स की बात करें तो 1,04,791 यानी 5.7%। वहीं पे सरना वोटर्स की बात करें तो 56,193 यानी 3.1%। और बाकी और भी कास्ट के लोग, तो ये हो गया सिवान में कितने प्रतिशत कितने कास्ट के लोग यहाँ पे मतदाता है। और उसके बाद हम आपको लेके चलते हैं इस समीकरण। जी हाँ, ये बात करने वाले हैं हमारे 2014, 2019 और 2024 के टॉप थ्री कैंडिडेट, जो कि 2 और 3 में आए हुए थे। टॉप थ्री कैंडिडेट की बात करें तो यहाँ पे गौर करने वाली एक चीज है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दूसरे स्थान पे 2014 में भी हिना मैम थी, 2019 में भी और 2024 में भी। आखिर ये दूसरे स्थान पे आने का कारण क्या है, इसके भी आगे चल के हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले बता दें आपको कि 2004 और 2009, 2004 की बात करें तो 2004 लोकसभा चुनाव में सिवान से डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की जीत हुई थी, जबकि वहां पर ओम प्रकाश हार चुके थे। उसके बाद ओम प्रकाश एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, ये ओम प्रकाश 2009 में एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट फिर चुनाव लड़ते हैं और फिर उनको जीत मिल जाती है। उसके बाद 2014 में ओम प्रकाश यादव, जो कि 2009 में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर उतर के जीते हुए थे, उसके बाद 2014 में उनको उनको भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है और फिर से 2014 में वह चुनाव लड़ते हैं और जीत भी जाते हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि फिर 2014 में जीतने के बावजूद भी 2019 में ओम प्रकाश का भारतीय जनता पार्टी से टिकट कट जाता है और जेडीयू की कविता सिंह को टिकट मिल जाता है। उसके बाद मैं बात करता हूं ये 2014, 2019 और 2024 का सारा समीकरण, सारा खेल और टॉप थ्री कैंडिडेट्स की। तो बात करते हैं 2014 में, तो 2014 में ओम प्रकाश यादव जो कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे 3,72,670 वोट लेके जीते हुए थे, यानी कि टोटल वोट उनको परसेंटेज की बात करें तो 42.16% उनको टोटल वोट मिले थे। वहीं बात करते हैं दूसरे स्थान पे 2014 में तो हिना साहब थी, जो कि 2014 में राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पे चुनाव लड़ी थी, उनको उस वक्त 2,58,823 वोट मात्र मिले थे, यानी कि परसेंटेज की बात करें तो 29.28%। और तीसरे स्थान पे बात करें तो अमरनाथ यादव जो कि सीपीआईएमएम के कैंडिडेट थे, उनको 81,006 वोट प्राप्त हुए थे, यानी परसेंटेज की बात करें तो 9.16%। वहीं पे आपको हम बता दें 2019 में ओम प्रकाश यादव का टिकट कट कर कविता सिंह को टिकट मिलता है जेडीयू से। कविता सिंह चुनाव लड़ती हैं और कविता सिंह को ओम प्रकाश यादव से वोट ज्यादा मिलते हैं, लगभग 4,48,473 वोट प्राप्त करते हैं। अगर परसेंटेज की बात करें तो 45.54%। वहीं पे 2019 में दूसरे स्थान पे फिर से हिना साहब रहती है और फिर से वो राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पे चुनाव लड़ती है और उनको वोट प्राप्त होते हैं 3,31,515। अगर परसेंटेज की बात करें तो 33.66%। और फिर से तीसरे स्थान पे अमरनाथ यादव जो कि सीपीआईएमएल के कैंडिडेट थे, उनको 74,644 वोट, यानी परसेंटेज की बात करें तो 7.58%।
अभी तक यहाँ पे सब कुछ शांत था, लेकिन जब बात करेंगे 2024 की तो काफी सोचने वाली बात है कि जो राष्ट्रीय जनता दल MY समीकरण की बात करती थी, वो आखिर MY समीकरण कभी सिवान में शायद नहीं देखने को मिला। क्योंकि जब 2024 की हम बात करेंगे तो आपको भी यह समझ में आ जाएगा कि हाँ, शायद MY समीकरण सिवान में कभी चला ही नहीं था। अभी तक यहाँ पे सारा साल था 2014-2019 के मुताबिक, सिर्फ मात्र एक बदलाव था कि ओम प्रकाश यादव जो कि 2014 में चुनाव लड़े थे, विधायक बने थे, माफ करिए सांसद बने थे, वही 2019 में उनका टिकट काट करके जो कि एनडीए में JDU मिला था तो कविता सिंह को सिवान से टिकट दिया गया। हालांकि कविता सिंह ने भी सीट निकाल दिया 2019 में, लेकिन अब असली खेल हम बता दें कि जब डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का देहांत होता है, उसके बाद काफी नाराजगी साहेब परिवार का राष्ट्रीय जनता दल से हो जाती है और हीना में राष्ट्रीय जनता दल का साथ छोड़ देती है लोकसभा चुनाव में, और एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट वो 2024 में चुनाव लड़ती है। काफी हल्ला गुल्ला मचा हुआ था 2024 के लोकसभा को लेकर सिवान में, और ऐसा प्रतीत होता था कि शायद इस बार हीना साहब एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सिवान लोकसभा के सांसद चुनी जाएंगी और दिल्ली भेजी जाएंगी, ऐसा सिवान के जनता का मानना था। लेकिन जब रिजल्ट आया तो काफी ज्यादा अंतर देखने को मिला, लगभग 90,000 प्लस वोटों से हीना साहब को 2024 में बिहार का सामना करना। अब बात करते हैं 2024 में तो देख सकते हैं कि विजय लक्ष्मी देव जो कि JDU प्रत्याशी थी, उन्हें लगभग 3,86,508 वोट प्राप्त हुए, वहीं हीना साहब को लगभग 2,93,651 वोट प्राप्त हुए। और तीसरे स्थान सबसे मुख्य सदस्य की अब बात करने जा रहे हैं जो कि आपको ये बताएगा कि सिवान में कभी MY समीकरण चला ही नहीं था। जी हाँ, बात कर रहे हैं ABC यानी कि अवध बिहारी चौधरी, जिनको 2024 लोकसभा चुनाव में 1,98,823 वोट प्राप्त हुए। अब ये चीज देखने को मिलता है कि जब हीना साहब यहाँ पे चुनाव लड़ती है एज RJD कैंडिडेट तो उनको मात्र 2,50,000 वोट प्राप्त होते हैं, यहाँ पे 3,31,000 वोट प्राप्त होते हैं, जबकि ये आप देखिए इनका एज ये देखिए NDA कैंडिडेट जो ओम प्रकाश थे वो 2014 में 3,72,000 वोट लाते हैं, वहीं पे कविता सिंह 2019 में 4,48,000 वोट लाते हैं। लेकिन अचानक से ये ग्राफ देखिए, जो ग्राफ दो बार से बढ़ रहा था वो तीसरे बार में ग्राफ गिर गया, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि 2014 और 2019 में जो यादव वोट थे वो BJP प्रत्याशी और JDU प्रत्याशी को प्राप्त हुए थे, लेकिन 2024 में ऐसे माना जाता है कि जो यादव वोटर्स थे वो राष्ट्रीय जनता दल प्रत्याशी और बिहारी चौधरी को वोट देते दिए हैं। अब देखिए 2014-2019 में अगर हीना मैम को इसमें से वोट प्राप्त होते, इसमें से जो वोट 2014-2019 में अगर वोट प्राप्त होते हैं तो ऐसा मान लीजिए कि 2014-2019 की सांसद हीना साहब होती, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे 1,98,000 वोट और बिहारी चौधरी को मिला एज ए राष्ट्रीय जनता दल कैंडिडेट, और वही इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हीना मैम को 2,93,000 वोट मिले। तो ये समीकरण आप समझिए कि जब वो RJD से चुनाव लड़ती थी 2014-2019 में जब वो चुनाव लड़ी तब उनको ये वोट प्राप्त नहीं हुए, तब उनको ये वोट प्राप्त नहीं हुए, लेकिन वहीं पे जब और बिहारी चौधरी लड़ते हैं चुनाव राष्ट्रीय जनता दल के तो 2,00,000 वोट प्राप्त हो जाते हैं, और हीना मैम को उस वक्त भी 2024 में भी जो चुनाव हुआ है उस वक्त भी वोट प्राप्त नहीं होते हैं वाइस का, और MY समीकरण उस वक्त भी कोई काम नहीं करता है, हालांकि कुछ मिले लेकिन कुछ नहीं मिला। अब देखिए यहाँ पे अगर ये दोनों वोट इसमें गए रहते तो शायद 2014-2019 में ये हीना मैम लोकसभा चुनाव अपना जीत जाती। तो ये दर्शाता है कि कभी भी सिवान में MY समीकरण चला ही नहीं। ऐसा ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया तक। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।